हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रिया लक्ष्मी बालाजी सेलर। यहाँ पे देखेंगे आप, कुछ आपको जानकारी देना है। ये देखेंगे, जब ऐसे बड़े चंक्स की ऑर्डर आती है, बड़े चंक्स कोई कस्टमर लेता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि जब बैग होती है तो बैग में जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, ऐसे बोलते हैं सब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वही आज आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। देखेंगे ये अलग से निकाले हुए छोटे छोटे चंक्स है, ये मीडियम साइज़ है, मीडियम साइज़ है, स्मॉल साइज़ नहीं है इसमें, सारे के सारे मीडियम चंक्स। ये देखेंगे जब स्टॉक क्लीन होती है ना, तब भी इसमें से मीडियम चंक्स भी निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी है। और जैसे कि मान लो कि अभी बड़ा चंक्स लेते हैं, तो जैसे पार्सल आती है तो बहुत टूट फूट जाती है, तो बड़े चंक्स जो दूर रहते हैं उनके लिए बड़े चंक्स ठीक है, लेकिन उनका प्राइस ज़रा अलग होता है बड़े चंक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जल्दा टूटता नहीं है, टूटा नहीं तो फिर वो ऐसा बिखरता नहीं है, फिर आपकी जो पार्सल है वो सही से आपको मिलती है। तो देखेंगे जो बिग चंक्स होते हैं ना, उसमें जब आप उसको ब्रेक करोगे तो उसके जैसे टुकड़े होते हैं, तो ये अंदर से कुछ सॉफ्ट होते हैं और हल्के से हार्ड होते हैं। तो जो भी कोई बिग चंक्स ऑर्डर करता है, अगर सॉफ्ट चंक्स है तो ठीक है, लेकिन आपको जब ऐसे मिलता है तो आप उसको तोड़कर उसके अंदर की साइड चेक करो, वो नरम सी होती है, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगा। ये देखिए, काफ़ी जब वो बिग चंक्स था तो उसको बहुत ही तकलीफ़ होता था। और हम हर एक को नहीं प्रोवाइड करते ये वाला, ये एक आपको जानकारी वाला वीडियो है कि जब बिग चंक्स होता है तो वो सारे हार्ड नहीं होते, उसको डायरेक्ट क्रंच करना भी दिक्कत ही होती है। तो आप उसको बस इजीली ऐसे टुकड़ों में तोड़ लो इजीली, तो वो ऑटोमेटिक आपको सॉफ्ट क्रंच अंदर से मिल जाएगा। वो नरम सा मिट्टी होता है, ये मिट्टी होता है, लेकिन जब वो आपको दिखता है बड़ा तो उसको क्रंच में तकलीफ़ होती है, इसलिए ऐसा उसको ईजीली आप जो है ब्रेक कर लो, तो आपको क्रम्बल भी मिल जाएगा, मीडियम साइज़ भी मिल जाएगा। मतलब जब आप वो तोड़ोगे तो उसमें आपको जैसा आपको होना है वो मिल जाएगा, मतलब आपके हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप उसके जो भी नरम पार्ट है उसको, जो भी हार्ड पार्ट है उसको आप निकाल कर साइड कर सकते हो। ये देखिए, पानी में डालने से क्या होता है, वो पूरा उसका जो अर्दी स्मेल होता है थोड़ा हल्का सा तो कम होता ही है, लेकिन सेंसिटिव टीथ के लिए हमने बताया था वो नुस्खा कि आप उसको पानी में डुबा कर सॉफ्ट कर सकते हो। दूसरा कि आप उसको तोड़ो, ओके, तोड़ने से क्या होता है, काफ़ी जो सॉफ्ट रहता है ना अंदर के साइड में नकुमट, बाहर के साइड में पूरा उसको सेकने के कारण जब वो भट्टी में जाती है ना, कच्चा मिट्टी, कच्चा मिट्टी कैसा होता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कच्चा मिट्टी है, ये कच्चा मिट्टी जब रोस्ट होने के लिए जाता है तभी ये बाहर से पूरा सेकने के कारण बाहर की जो परत है उसकी हार्ड होती है, और जो अंदर के लेयर होते हैं ना वो काफ़ी सॉफ्ट में होते हैं। देखिए आप, दिख तो बहुत हार्ड है लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है। जब हम वीडियो अनबॉक्सिंग जो बैग होती है वो करते हैं, तब हम बहुत सारे चंक्स ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं हाथ से, लेकिन वो टूटते नहीं है, आपने देखा भी होगा। लेकिन ऐसा उसका मतलब नहीं कि वो हार्ड में होते, कोई भी चंक्स, ये मिट्टी है, इसको बोला ही मिट्टी जाता है ना, तो इसको आप जब ऐसे तोड़ते हो तो ईजीली टूट कर आपके सामने जो भी आएगा वो सॉफ्ट ही आएगा। ठीक है, ये देखेंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब से नोटिफिकेशन मिलेगा और हमें भी जो भी वीडियो का कंटेंट है वो बनाने का इच्छा होएगा, या फिर आप बोलो कि आपके लिए हम वो वीडियो बनाएंगे। देखेंगे बाहर से पूरा काला था और अंदर से ये पूरा पिंक कलर का निकला है, ये देखिए पिंक कलर का है। अभी ये फ्रेश में है, मतलब ये कब करना है, जब हार्ड वाली आपको लग रही है, हार्ड नहीं होती लेकिन लग तो रही, तो तब आप इसको ज़रूर तोड़कर आप इसको, ये वाले हर एक का अपना अपना स्टाइल है खाने का, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम खुद ये वाला करते हैं, क्योंकि अंदर के साइड में एकदम फ्रेश वाली भी मिल जाती है ना, जो ऐसा बड़ा होता है ना वो जो बाहर से सेका जाता है, उसको तोड़ने से जो अंदर, तो एक्स्ट्रा अर्दीनेस और एक्स्ट्रा उसका जो रोस्टिंग
का जो भी स्मेल है ना वो दिख के आता है, और बहुत ही अपना हमारा ये हो जाता है, क्रंच जो भी होता है अच्छा हो जाता है ऐसा। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। बाकी आप तो बता ही सकते हो कि आपको कैसा खाना पसंद है, हर एक की इच्छा होती है, हर एक की अपनी खुद की एक लॉजिक है खाने की। हमारा काम खाली सप्लाई करना है, हम खाली सप्लाई करते हैं और प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, जैसा स्टॉक है वैसा, ठीक है। बल्क में स्टॉक आती है तो कभी छोटे या फिर बड़े हो जाते हैं, और पैकिंग से पहले स्टॉक को क्लीन ज़रूर किया जाता है ताकि आपके पास कोई भी ख़राब पीस ना आए करके, ठीक है। थैंक यू एंड बाय फ्रेंड्स। एक बार लास्ट में आपको दिखाते जितने भी ब्रेक हुए वो चंक्स कैसे दिख रहे, ठीक है। हाँ, उसका टेक्चर आप देखेंगे।